Hello guys. So from 27th of October, All India and Deemed University की admission process start होने वाली है. और आज हम लोग ये video में discuss करने वाले हैं कि ये admission जो process चालू होने वाली है उसकी registration fees आपको कैसे pay करनी पड़ेगी. So All India and Deemed University admission processes में आप government colleges के लिए apply कर सकते हो. आप एम्स, जिपमर एंड अक्रॉस द इंडिया जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो. तो मेन जानते हैं कि इसके लिए कितना रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा. फर्स्ट, जो स्टूडेंट को फॉर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है, ओनली गवर्नमेंट कॉलेज लाइक 15% ऑल इंडिया कोटा, एम्स, जिपमर एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए आपको 11,000 का पेमेंट करना है, जिसमें से 10,000 रिफंडेबल अमाउंट है एंड 1,000 इज अ रजिस्ट्रेशन अमाउंट. ये तो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए है. जो स्टूडेंट रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 5,500 का पेमेंट करना है, जिसमें से 5,000 रिफंडेबल अमाउंट है एंड 500 रजिस्ट्रेशन अमाउंट है. ये तो हो गया जो स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट, एम्स एंड जिपमर जैसे कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना है. अब सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, जो लोगों को डीम्ड यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है लाइक मणिपाल, भारतीय विद्यापीठ, डीवाई पाटिल, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन अमाउंट करते टाइम आपको 2,05,000 पे करना पड़ेगा. आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हो, दोनों के लिए कंपलसरी 2,05,000 का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, जिसमें से 2,00,000 रुपीज रिफंडेबल अमाउंट है एंड 5,000 आपकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट है. अब ये पेमेंट करते टाइम कैसे आपको पेमेंट करना पड़ता है, तो बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजिंग होता है कि क्या हम NEFT और RTGS कर सकते हैं क्या. तो ऑनलाइन पेमेंट करते टाइम पेमेंट गेटवे पे आपको NEFT और RTGS का ऑप्शन नहीं आता है. आप बस तीन वेज से पेमेंट कर सकते हो, वन क्रेडिट कार्ड, सेकेंड डेबिट कार्ड एंड थर्ड इंटरनेट बैंकिंग. ये तीनों चीज़ों से ही आपको वो 2,05,000 का पेमेंट करने आता है. तो आप बैंक के साथ एक बार चेक कीजिए कि आपकी डेबिट या क्रेडिट और इंटरनेट बैंकिंग की लिमिट 2,05,000 की है क्या. अगर वो होगी और आपके अकाउंट में 2,05,000 है तो आपका ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इजीली हो जाएगा. अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये पेमेंट करते टाइम कंपलसरी आपके खुद के डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग से कीजिए. क्योंकि जब भी आप पेमेंट जिस भी अकाउंट से करोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा खुद का रजिस्ट्रेशन करना है तो मैंने मेरा डेबिट कार्ड यूज़ किया, तो जो 2,00,000 रिफंडेबल अमाउंट आने वाला है वो उसी डेबिट कार्ड के अकाउंट पे आएगा. अगर आपने किसी और का यूज़ किया तो उसके अकाउंट में चला जाएगा, तो आप ट्रैक नहीं कर सकते कि वो पैसे आए या नहीं आए. तो यही प्रिकॉशन लेने के लिए जो भी डेबिट, क्रेडिट या इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करना है वो आपके खुद का करने का ट्राई कीजिए. और ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए असमी यूट्यूब चैनल पे उसको सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम पे असमी करियर को लाइक कीजिए, ताकि ये आपको पूरे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिले. थैंक यू.